सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। मार्च के महीने में बारिश नहीं होने की वजह से ज़्यादातर मौसम साफ ही रहा है और तेज धूप भी निकल रही है। ऐसे में तापमान में हर दिन बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। दिल्ली में तापमान सामान्य से ज़्यादा रिकॉर्ड हो रहा है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार अभी कुछ दिनों तक गर्मी झेलनी पड़ेगी। आने वाले दिनों में हवा चलने के बाद तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में मार्च के महीने में इतनी गर्मी 2013 में पड़ी थी, जब अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया था। दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज़्यादा 21.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 8 डिग्री ज़्यादा 38.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का स्तर 26 से 75% तक रहा। आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। आज से इस पूरे सप्ते मौसम साफ रहेगा दिल्ली का। 22 और 26 मार्च को 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली में हवा चल सकती है। हफ्ते के अंत तक दिल्ली में तापमान में गिरावट हो सकती है। अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में आज अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। नोएडा में पूरे सप्ताह मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई गई है और तेज धूप भी निकलेगी। हफ्ते के अंत तक नोएडा में अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँचने की संभावना है। दूसरी तरफ गुरुग्राम में आज अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस सप्ताह मौसम गुरुग्राम में साफ रहेगा। 23 मार्च को आंशिक बादल दिख सकते हैं। वहीं हफ्ते के अंत तक गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिल्ली NCR की हवा खराब हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार आज दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI खराब श्रेणी में रहा है और 248 रिकॉर्ड किया गया है। वहीं नोएडा का AQI मध्यम श्रेणी में है और 220 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गुरुग्राम का AQI खराब श्रेणी में रहा है 255 पर। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स TV। फिर से आ गया है कोरोना। घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना। बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।